मास क्षमत, मासिक तपस्या, कितने व्रत? 30 व्रत, 30 मास क्षमन, कितने किए अपने उन्होंने जीवन काल में प्रभु महावीर स्वामी ने? कृपया माइक के ऊपर आप थोड़ा सा ऑडियंस को भी मालूम हो। आठवां यह प्रश्न है, एक लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित, प्रभु महावीर ने कितने मास क्षमन किए? 29, 20, 12 या 6? प्रभु महावीर ने कितने मास क्षमन किए? आपके पास 7 पुरस्कार पहले से मौजूद हैं, अगर आप छोड़ना भी चाहें गेम को, लेकिन उससे पहले फ्लिप दी क्वेश्चन भी है, अगर आपको सही उत्तर नहीं आता तो किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विथड्रॉ भी कर सकते हैं या फ्लिप दी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सी बारह बारह मास क्षमण की है, क्या लॉक किया जाए? कॉन्फिडेंट है? C12 लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी C12 को लॉक कर दो। अंतिम बार पूछो, कर दीजिए। तो C12 को लॉक किया जाता है। और ये सही जवाब, नौवां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है, ये भगवान की कौन सी माता को 28 स्वप्न आए थे? ए देवानंदा माता, बी वामा माता, सी अचिरा माता, डी मरुदेवी माता। कितने स्वप्न आमतौर पर आते हैं माता तीर्थंकर की माता को? 14। तो ये 28 स्वप्न किसको आए? ए देवानंदा, बी वामा माता, सी अचिरा माता, डी मरुदेवी माता। मरुदेवी माता। आप अपना सही उत्तर दीजिए। बी वामा माता। अगर आपका गलत जवाब हुआ तो इसमें से 5 प्रश्नों के जो हैं सही पुरस्कार जो हैं आपको दिए जाएंगे, क्योंकि 5 का लेवल है। आप फ्लिप दी क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी वामा माता आपने उत्तर दिया है, डी मरुदेवी माता। क्या लॉक किया जाए? डी मरुदेवी माता। आप बी वामा माता भी कह रहे थे, डी मरुदेवी माता लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी डी मरुदेवी माता को लॉक किया जाए। नूतन जी, अगर आप वामा माता का आंसर देती वो गलत जवाब होता, आपने मरुदेवी माता का भी नाम लिया, ये भी गलत जवाब। सही जवाब देवानंदा माता। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम माता का अवतरण हुआ और 14 स्वप्न तब आए जब परमात्मा का उनका गर्भ हरण हुआ। तो भाई और बहनों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जो जैन तत्व ज्ञान से परिपूर्ण था? अनेक अनेक प्रश्नों के उत्तर देकर अनेक अनेक प्रतियोगियों ने ढेर सारे पुरस्कार इसमें जीते। आप अपने सुझाव हमें इस पते पर जरूर दीजिए।
तो आपको फिर मिलेंगे भाई और बहनों नए प्रश्नों के साथ, नए प्रतियोगियों के साथ एक उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा ज्ञानवीर।